गुड मॉर्निंग किड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमारे स्टडी के बीच में एक गैप आ गया था जिस वजह से हम स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। नाउ फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर मैथ्स क्लास फॉर क्लास फिफ्थ। सो स्टूडेंट्स, पहले हमने चैप्टर नंबर 3 HCF एंड LCM, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ये चैप्टर हमारा मैथ्स में चल रहा था। सो इसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। सो टेक आउट पेज नंबर 25, एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में बेटा क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो इन दिस क्वेश्चन नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फोर्थ पॉइंट है बेटा, 32, 36, 48, ये हमें सॉल्व करना है। क्या फाइंड करना है? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, सो कम ऑन फास्ट, टेक आउट पेज नंबर 25 एंड लेट्स सी। नाउ हियर पेज नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 2, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस वन फोर्थ। ओके, 32, 36 एंड 48। नाउ हियर गिवन नंबर्स आर 32, 36 एंड 48। 32 का फैक्टर करना है बेटा आपको, 36 एंड 48। कैसे करना है, चलो करते हैं अब हम इसको। बेटा दिस इज माय रफ नोटबुक। ओके, ये मेरी रफ है और मैं इसमें आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले मैम ने बताया था 32, तो 2 ऑड है या इवन है, याद है आपको, पता ही है कि 2 क्या है, इवन है। तो आप किससे स्टार्ट करोगे, इवन नंबर, यानी कि इवन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे हम। चलो चेक करो 2 से, 2 वन ज़ा 2, क्या रिमेनिंग बचा, 1, यही हमने यहाँ पर पॉइंट कर लिया। देन अब क्या हो गया यहाँ पे, 12, तो 2 की टेबल में बेटा 12 आएगा क्या, यस, 2 सिक्स ज़ा 12। अब ये हो गया नंबर हमारे पास 16, तो 2 की टेबल में 16 आएगा, यस, अगेन चेक करो, 2 एट ज़ा 16। ओके, अब 2 की टेबल में 8 आएगा क्या, आएगा, 2 की टेबल में 4, ठीक है, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, ऐसे चेक करने के लिए बताया था मैम ने। ठीक है, जब भी आपके नंबर में लास्ट में 32 है, इवन नंबर है, दिख गया हमें, 2 से स्टार्ट कर दो, फिर इवन नंबर 6, 2 से स्टार्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर 48, 8, 2 से स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो इन दैट मैनर यू हैव टू डू। नाउ लेट्स स्टार्ट 36, 2 से स्टार्ट कर लें हम, जी, 2 वन ज़ा 2, रिमेनिंग 1, अब कितना हो गया ये, 16 हो गया, तो 2 की टेबल में 16 आता है, हाँ, टू, अब फिर से 8 है यहाँ पे, फिर से 2 की टेबल में 18 आता है क्या, हाँ, 9 टाइम्स में, अब 9, तो 2 की टेबल में बेटा 9 आएगा क्या, 9 आता है, ऑड है इवन है, क्या है, ऑड है, तो अब 2 से ये नहीं डिवाइड होगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 9 किसकी टेबल में आएगा, 2 के बाद क्या चेक करेंगे हम, 3, तो 3 की टेबल में 9 आएगा क्या, यस, 3 टाइम्स में, देन अब 3 की टेबल में 3 आएगा क्या, यस, तो हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स, 3 वन ज़ा 3, 3 थ्री ज़ा 9, और 9 टू ज़ा 18, और 18 टू ज़ा 36। सो इन दैट मैनर यू हैव टू चेक योर आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 48। सो बेटा 48, 8 ऑड या इवन, पहले से चेक कर लें हम, 8 है इवन, सो वी विल स्टार्ट अगेन 2। अब 2 की टेबल में आप चेक करो, ओके, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 2 टाइम्स में, दानिया, कुछ रिमेनिंग टर्म बचा, नहीं बचा, अब 2 की टेबल में 8 आएगा, यस, 4 ज़ा, ओके, नाउ अब 24, अगेन 24, 4 क्या है बेटा, ऑड है या इवन है, इवन है, ठीक है, तो हम फिर से 2 से ट्राई करेंगे, लेट्स सी, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, अगेन 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे 12 रिमेनिंग हुआ, 2 ऑड है या इवन है, इवन है, पता है हमें, फिर से अब 2 की टेबल में 12 आएगा क्या, आएगा, कितने टाइम्स में आया, 6 ज़ा, ओके, अब 2 की टेबल में बेटा 6 आएगा, चेक करो, यस, हाउ मेनी टाइम्स, 3 ज़ा, अब आ गया यहाँ पे 3, तो 2 की टेबल में 3 आएगा क्या,
अब थ्री, तो थ्री किस में आएगा बेटा, थ्री की टेबल में, कितने टाइम्स में, वन ज़ा, तो थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री टू ज़ा सिक्स, सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू ज़ा ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर टू ज़ा फोर्टी एट। इन दैट मैनर यू हैव टू चेक योर फैक्टर। ओके, सो हियर अभी हमने बेटा फैक्टर किए थे, थर्टी टू, टू वन ज़ा टू, वन रिमेन हुआ था, देन टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, फिर टू एट ज़ा सिक्सटीन, टू फोर ज़ा एट। आपको बेटा यहाँ क्या करना है, सिर्फ हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इन दैट मैनर हियर एंड दिस वन। ओके, ये हमने डिवाइड किया, अब क्या करना है, हमें पेयरिंग करना है, यानी कि पेयर बनाना है जो इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। टू इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो इन तीनों में वो टर्म होनी चाहिए, उसकी क्या बनेगी, पेयरिंग। ठीक है, उसको हम पेयरिंग करेंगे। 32, देन उसका फैक्टर लिख लिया हमने, ये वाली टर्म, ठीक है, यहाँ आ गई। फिर 36, इसका फैक्टर क्या है, 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री। देन 48, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री। सो ये हुआ इसका फैक्टर, यही हमने यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब इसमें हमको निकालना है बेटा, क्या फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले जो कॉमन टर्म है आप उसको पेयर कर लो, तो टू इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, एक पेयर ये हो गया, टू टू टू, ये पेयर ये हो गया। फिर यहाँ पर टू है, यहाँ पर है क्या इसमें टू, नहीं है, लेकिन यहाँ है, बट यहाँ तो नहीं है ना, तो अब पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पर थ्री है, लेकिन इसमें कहीं थ्री है क्या, नहीं, तो ये भी पेयरिंग नहीं हो पाएगी। मीन्स आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों में होना चाहिए। ओके, देन द कॉमन फैक्टर आर टू कॉमा टू, क्यों, एक टू ये वाला और एक टू ये वाला, तो टू इंटू टू कॉमा टू। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टी कर देंगे, टू इंटू टू, तो टू टू ज़ा फोर। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ हमारे पास, फोर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स ये जो फोर है, ये फोर ऐसा है जो 32 में भी डिवाइड हो जाएगा, 36 डिवाइड हो जाएगा, 48 भी डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आंसर आया हमारे पास, फोर, और इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहे हैं हम। ठीक है, क्योंकि हम अगर 32, 36 और 48 इन तीनों को अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चेक करके देखना आप करके डिवाइड। ओके बेटा, इसी क्वेश्चन में जो सेकंड वाला है, 65, 117, 273, ये फैक्टर है, गिवन नंबर आर इतना, ठीक है, फिर 65, अब 65 यहाँ पे 5 है, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से, 3 से पॉसिबल है क्या, सो 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, अब हम कहाँ जाएंगे, 5 के पास जाएंगे, तो 5 वन ज़ा 5, रिमेनिंग टर्म 1, तो अब ये क्या हो गया, 15 हो गया, तो 5 3 ज़ा 15। ओके, अब यहाँ 13, तो 13 किस किसके टेबल में आएगा, 13, 13 तो 13 की टेबल में ही आएगा, तो 13 वन ज़ा 13, ठीक है। नाउ 117, ठीक है, 7, अब आपको क्या डिवाइड करना है, 7 है तो इवन तो होगा नहीं, ऑड से ही देखना है, तो 2 को तो चेक नहीं करेंगे, 3 से करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 उसके बाद कितनी टर्म बची बेटा, 2, 11 में से 9 गए 2, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, 27, तो 3 9 ज़ा 27, अब यहाँ हो गया 39, सो 39 3 से जाएगा, जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, अगेन 13, तो 13 13 से जाएगा, ठीक है। नाउ 273, 3 9 ज़ा 27 और 3 1 ज़ा 3, 3 ऑड है तो ऑड नंबर से ही चेक किया हमने डिवाइड, फिर 91, अब 91 किसकी टेबल में आएगा, सो 3 से, तो 3 से चेक करें, नहीं जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 1 लेफ्ट हो जाएगा, 3 4 और इवन हो गया, 5 से चेक करें, 5 1 ज़ा 5, बच्चा 4, 41 हो जाएगा, 41 5 की टेबल में नहीं आता है, 6 से करना नहीं है, इवन है, 7 से ट्राई करते हैं, 7 1 ज़ा 7, फिर रिमेनिंग 2, 21, तो 7 3 ज़ा 21, फिर अगेन 13, तो 13 1 ज़ा 13, सो इन दैट मैनर यू हैव टू डू योर फैक्टराइजेशन। ओके, इस तरह से आपको फैक्टर करना है बेटा, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये अच्छे से आएगा, क्योंकि करना तो सिर्फ डिवाइड है, वो तो आपको आता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी कि इस मैनर में कैसे डिवाइड करना है। ओके, सो बेटा यहाँ तक आपको आपका वर्क कंप्लीट रखना है, और ऐसा नहीं कि मैम अगर आपको सॉल्व करके दे रही हैं तो आपको नहीं करना है, आपको उस चीज़ को सॉल्व करना है बेटा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं
आप लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट मल्टी करके लिख दिया था। उसको आप सॉल्व तो करो, कैलसी का यूज़ कर रहे हो आप लोग, उसको डायरेक्ट मल्टी करके लिख दे रहे हो, ऐसे थोड़ी ना करना है बेटा। अभी मैम ने लिखा है तो आपको ऐड करने के लिए दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये डिवाइड है, इसको सॉल्व करना था, आप लोगों ने नोटबुक में ऐसे ही लिख के रख दिया था, तो सॉल्व करने के लिए दिया है। इतना ये मैम आपको आपकी हेल्प कर रही हैं कि ये इतना तो लिखना है, उसके बाद डिवाइड है वो तो आपको ही करना है, तो सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि ऐसे कॉपी कर देना है, आपको सॉल्व करना है। कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा वर्क किया है, लेकिन कुछ ने बहुत डिसअपॉइंट किया है। सो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा कुछ कैलकुलेशन मैम आपको दे रही हैं कॉपी में, तो आपको बेटा वो सॉल्व करना है। सो बेटा यहाँ तक आपको आपका वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है? और जैसा मैडम इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं वैसा आपको फॉलो करना है, और नोटबुक कंप्लीट करनी है नीट एंड स्वीट हैंड राइटिंग में। ओके, थैंक यू सो मच।